हाय फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज क्या देखेंगे? आपको भी थोड़ा सस्पेंस जैसे दिख रहा है क्या? हाँ, ये लाइटिंग और सब कुछ, आपको क्लू मिल गया? जी हाँ, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ये लाइटिंग मेरे को अच्छा लग रहा है, जैसे कि कोई हॉरर स्टोरी फील दिख रहा है। ये रहा हमारा लाइट जो मैंने रिसेंटली लिया है, ओसाका का लाइट है ये, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन उसमें अभी बताता हूँ मैंने क्या क्या पाया है इसके साथ। एक तो ये बैटरी इसके साथ आया था 8000 mAh का, और बैटरी बहुत अच्छी है। मैंने अभी टेस्ट नहीं किया मगर ब्राइटनेस बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे कि ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये दो नॉब देख रहे हैं आप, ये दोनों नॉब है, यहाँ से आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला है, इसमें दो कंट्रोल्स रहते हैं, एक तो ये वाला ये रहेगा 5600 केल्विन तक, और दूसरा वाला रहेगा 3200 केल्विन तक। ये दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, और एक को हम यूज़ करेंगे तो वाइट लाइट आएगा, और दूसरा को यूज़ करेंगे तो येलो लाइट आएगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2 मिनट में कौन सा आप कर सकते हो, ये वाला लगाने से कौन सा लाइट आएगा, ये वाला लगाने से कौन सा लाइट आएगा, वाइट और येलो लाइट, और ये ऑन एंड ऑफ बटन, यहाँ पर बैटरी आ जाती है, अभी आपने देखा था ना, यहाँ पर बैटरी आएगा, और जब बैटरी लगा रहे हो इसको दबा के लगाना है, बहुत इजी से जाएगा अगर बैटरी लगाना है तो। और क्या करूँ इसके बारे में, और आगे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिलेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें से लाइट ईजिली पास होगा, देखो अच्छे से पास होगा लाइट, और इसमें इनबिल्ट रिफ्लेक्टर्स भी आएंगे ऐसे, देख रहे हो ना ऐसा रहेगा। और इसके साथ हमको ऐसे दो शीट्स भी मिलेंगे, एक और अंदर है, मैंने इसके साथ पाया था एक चार्जर, और चार्जर और बैटरी वो दोनों कंपनी ने दिया था, बहुत अच्छा है। मैंने इसे बाहर में लिया है 2500 रेट पर। चलिए अभी इसे स्टार्ट कर देखते हैं कैसा रहेगा, इसका ब्राइटनेस कैसा रहेगा अभी देखते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट कर देखते हैं कैसा रहेगा।
ये रहा हमारा लाइट, इसे ओपन कर लेते हैं। इतना ब्राइटनेस आ रहा है देख ले। अभी यहाँ पर देखो ये फुल में है और अभी हमें और आपको येलो लाइट लगाना है तो अभी मैं दिखाऊंगा। ये अभी फुल में है वाइट लाइट वाला जो कि 5600 केल्विन पर है। अगर आपको येलो लाइट लगाना है वो उसको बढ़ाते हैं, अभी उस नॉब को बढ़ाते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा अभी वाइट है ना, अभी ये वाइट दिख रहा है, अभी ये पूरा येलो हो जाएगा। देखो देखो येलो हो गया, पूरा माहौल येलो हो जाएगा। और इसको बढ़ाने से आपको और ब्राइटनेस आएगा, इससे भी बहुत ब्राइटनेस आएगा, वाइट से वाइट और येलो बहुत ब्राइटनेस आएगा। अभी मैं डिक्रीज कर देता हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। चलिए इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस और ये कितने देर तक चल रहा है ओके। तो वो रहा हमारा ओसाका का डिस्क्रिप्शन सब कुछ फिर से कोई डार्क डार्क रूम में जैसे फील आ रहा है ना, ये मैंने किया उसका पूरा, जैसे कि वॉल्यूम बटन होता है ना वैसे ही है उसका बटन भी। मैंने पूरा जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं वैसे ही मैंने उस लाइट के इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दिया और अभी वो मिनिमम इंटेंसिटी पे है और ऐसे दिख रहा है जैसे कि पूरा रूम डार्क हो गया और मेरे फेस पे लाइटिंग लग रहा है। और अभी मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, कैसे रहेगा आप देखो। अभी देखो कैसा लग रहा है, और इंक्रीज करके देखेंगे और अभी पता चलेगा। अभी पूरा इंटेंसिटी पर है, देखो कैसे दिख रहा है, हैवी इंटेंसिटी हो गया ना। इंक्रीज कर देते हैं इसको, वेरी मिनिमम पे रखते हैं, बहुत मिनिमम पे रख दिया और फिर से बहुत अच्छे से पूरा बैकग्राउंड सब कुछ ब्लैक हो गया। ओनली मेरा फेस दिख रहा है अभी। ऐसे रहता है पूरा हमको पूरा हमारा ओसाका का रिव्यू और उसके और अभी दिखाते हैं। इसमें बॉक्स पर कुछ लिखा है, मैं देखते हैं। मैक्स पावर 35 वाट्स ओके, और हाई ब्राइट LEDs इसमें 576 है। इसमें आप बैटरीज रख सकते हैं जैसे कि F970, F770 और F570, F550। ये आप कहाँ पर भी रख सकते हैं, किसी पे भी माउंट कर सकते हैं। और इसमें अगर मेड इन इंडिया
Sierra Amarosa con la Grand. मैं समझ गया, उतना ही फ्रेंड्स आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।